हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके महतो ब्लॉग्स में। आज मैं झारखंड की एक ऐसी रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने वाला हूं और उस मंदिर को दिखाने वाला हूं जो कि झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। रामगढ़ जिले से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है, जो कि NH-23 के जस्ट बगल में ही है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 350 साल पुराना है और यह मंदिर अपने आप में काफ़ी रहस्यमय है। इस मंदिर में काफ़ी रहस्यमयी घटनाएं होती रहती है। मंदिर को 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी खराब हो चुका है और इसका रिपेयरिंग कार्य भी कर नहीं पाता है। इसका अभी कई रहस्यमय कहानियाँ इसके लिए भी बताई जाती हैं कि इसका रिपेयरिंग क्यों नहीं होता है और क्यों नहीं हो पा रहा है। चूँकि यह केंद्र सरकार ने इसको राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया, फिर भी इस मंदिर को पुनर्निर्मित क्यों नहीं किया जा रहा है, तो इसके लिए भी काफ़ी रहस्यमय घटनाएँ यहाँ पर देखी जाती है और काफ़ी चीज़ें बताई जाती है यहाँ के लोगों के द्वारा। तो यह मंदिर अपने आप में काफ़ी रहस्यमय है और यहाँ के लोगों का कहना यह भी है कि यहाँ पर पहले राजा और रानी यहाँ पर रहा करते थे। इस मंदिर के नीचे एक गुफा भी बनाया गया है जिसका उपयोग सैन्य कार्य के लिए राजा रानियों के समय में इसका उपयोग किया जाता था। इस मंदिर का निर्माण राजा दलेर सिंह के द्वारा किया गया है। चूँकि राजा दलेर सिंह शिव भक्त थे तो इसका निर्माण काफ़ी खूबसूरती से किया था और यह उस समय के सबसे प्रचलित और अभी भी इस मंदिर में काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जाती है। खास करके सावन पूर्णिमा में और शिवरात्रि में इस मंदिर में भक्तों की काफ़ी भीड़ लगी रहती है। तो सावन पूर्णिमा में या शिवरात्रि में भी हम इस जगह का जो वीडियो है वो लाने का कोशिश करेंगे। फिलहाल आज हम जा रहे हैं और वहाँ का जो भी व्यू है देखते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह का यहाँ का लोकेशन है। तो चलिए आज देखते हैं इस मंदिर को और दिखाते हैं आपको। हम तो इस मंदिर में बचपन से खेलते कूदते आए हैं, इसके आसपास ही हम रहते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको इसको और इसका स्ट्रक्चर को, यहाँ का जो रहस्यमय चीज़ें हैं, जो गुफा है और किस तरह का इसका जो स्ट्रक्चर है, कितना पुराना है, दिखने में कैसे है, तो सारा चीज़ आज हम दिखाते हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस, फाइनली हम प्राचीन शिव मंदिर कैथा पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इसका एंट्री गेट है, ये देखिए पीछे लगा हुआ है। तो इसको मैं दिखाता हूँ और ब्लॉग में बने रहे, आज पूरा यहाँ का व्यू आपको दिखाने वाला हूँ, किस तरह का यहाँ पर जो रहस्यमय मंदिर है उसका किस तरह का जो डिज़ाइन है, किस तरह का इसको बनाया गया था और अभी किस तरह का हालत में है, मैं दिखाऊंगा आज पूरा इस ब्लॉग में। तो हमारे साथ बने रहें। यह है प्राचीन शिव मंदिर कैथा, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। हम लोग वो जो सामने दिख रहा है वही मंदिर है, हम लोग जाने वाले हैं आज उस मंदिर में। आज हमारे साथ ब्लॉग में ये आशीष भाई है और आकाश जी है।
पहले हम लोग गुफा देख लेते हैं, उसके बाद मंदिर के ऊपर हम लोग जाएंगे। इधर नीचे में अंदर में गुफा है, इधर में अंदर में गुफा है, यहाँ पर, यहाँ पर भी देखिए पूजा होते हैं। इस मंदिर के निर्माण कार्य को नहीं किया जा रहा है, केवल बाहर बाहर का जो व्यू है, बाहर बाहर का जो चीज़ें हैं उनको, उसको रिपेयरिंग किया जाता है। इस मंदिर को रिपेयरिंग नहीं किया जा रहा है, इसका कई रहस्यमय कहानी इसके लिए बताया जाता है। इस मंदिर के आसपास देखिए कितना साफ सुथरा और कितना अच्छे से रिपेयरिंग करके रखा हुआ है, लेकिन मंदिर को रिपेयरिंग नहीं किया जा रहा है। और इसके लिए काफ़ी रहस्यमय रीजंस भी बताया जाता है। देखिए नीचे नीचे जहाँ तक पहुँचने सकता है आदमी रिपेयरिंग करता है। इधर देखिए मंदिर के साइड में अच्छे से इसको रखा है रिपेयर करके, और मंदिर को रिपेयर नहीं कर पाता है। इसका मंदिर के चारों ओर पहले घूम के देख लेते हैं, उसके बाद फिर मंदिर के अंदर जाएंगे। देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए बैठने के लिए काफ़ी अच्छी तरह से इस तरह का जो बैठने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं कर पाते हैं। ये कुआं भी एक रहस्यमय कुआं है। इस कुआं का जो संपर्क है वो डायरेक्ट उधर में एक बड़ा सा तालाब है उससे बताया जाता है। यहाँ के लोकल लोग इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताते हैं। ये जो कुआं है, ये कुआं का डायरेक्ट अंदर ज़मीन के अंदर अंदर उधर बड़ा सा तालाब है, उसको भी दिखाएंगे। उससे डायरेक्ट इसका कनेक्शन था। अगर तालाब सूखता था तो कुआँ सूखता था, तालाब भरा हुआ रहता था, कुआँ भरा हुआ रहता था, लेकिन अभी ऐसा चीज़ नहीं देखने को मिलता है। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है इस तरह का। और भी कई रहस्यमय चीज़ें हैं जो इस मंदिर के बारे में बताया जाता है। हम भी यहाँ के लोकल ही हैं, बचपन से हम लोग इधर में ही खेले कूदे बड़े हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर घर से बाहर रहता हूँ। तो ये जो मेरे दोस्त हैं वो चचेरा भाई है, ये सैया है, आकाश है, और उधर आशीष है, इन लोग से थोड़ा जानकारी लेते हैं। मैं ज़्यादातर यहाँ से बाहर रहा हूँ तो मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इनसे जानकारी लेते हैं कुछ यहाँ के बारे में। तो सबसे पहला बात आप ये बताइए कि आप इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? बस इस मंदिर के बारे में यही सुने कि प्राचीन काल से बना हुआ था। हम लोग उस जिस टाइम बना था हम लोग का उस टाइम जन्म क्रम नहीं हुआ था। बहुत ही पुराना मंदिर है। और तो यहाँ पे एक नाग और नागिन का भी स्थान है जो कि बहुत पुराना है। और ये मंदिर 350 साल पुराना मंदिर है। हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि बहुत ही पुराना मंदिर है। और ये मंदिर में कुछ ऐसा भी सत्य है जो कि बहुत दूर दूर से आदमी लोग आते हैं और आप लोग का मन्नत मांग के जाते हैं, मन्नत पूरा होने के बाद दोबारा भी आते हैं। यहाँ पे सावन पूर्णिमा में मेला लगता है और ये शिवरात्रि में भी यहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है। भाई सब अभी मंदिर के ऊपर जाने वाले हैं। मंदिर के अंदर अभी वहाँ का जो सीन है और वहाँ किस तरह का अंदर में बना हुआ है उसको दिखाते हैं, और हम लोग भी देखते हैं। काफ़ी दिन के बाद यहाँ आ रहे हैं।
ये आप लोग जो देख रहे हैं ये डिजाइनिंग बहुत ही पुराना है। हम लोग जस्ट बगल में ही क्रिकेट खेला करते थे, जो कि जब भी आइए आप लोग को अपना ग्राउंड दिखाते हैं बचपन का यादगार पल वाला। यही हम लोग का ग्राउंड था, ये हम लोग का बाउंड्री था। अगर यहाँ बॉल आता था तो सिक्स जाता था, लेकिन हर एक बार जितना बार भी मैच खेला करते थे यहीं पे बॉल आता था और इन्जॉय लेने के लिए यहाँ पे दौड़ के आते थे बॉल लेने के लिए। हालांकि हम लोग फील्डर नहीं रहते थे लेकिन फिर भी आते थे। और जो आप देख रहे हैं ये सब देखिए आप कि बहुत ही पुराना था, बहुत अच्छा चीज़ है जो गिर चुका है, धस चुका है। साक्षात भोलेनाथ हैं पधारे, मेरे रग रग में भूले मुझको भोले पुकारे, हम तो भोले के दुलारे, दिन भर फूके मैं रुआना, यू सी दसादा छोरा हो रहा भोले का दीवाना। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, मेरा करते बेड़ा पार प्रभु, मुझे मोक्ष दिला दे मुक्ति दे, कर सबका उद्धार प्रभु। तू मेरा है बोले, मैं तेरा हूँ बोले, मुझे बचा ले तू, अभी उठा ले तू, लगता नहीं दिल मेरा मुझे बुला ले तू। डम 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 हाथ उठा कर बम बम बम, भांग न तूरा पी जाऊं पूरा, भोले के नाम मेरे साथ जन्म। सावन का महीना पावन, थाम ले तू मेरा दामन, बोली तेरा भक्त जैसे कलयुग का रावण। हम लोग का यही का था, और जो भी यहाँ का जो व्यू था, जो भी चीज था यहाँ का जानकारी हम लोग से जितना हो सका हम लोग दिखाने का कोशिश किए, बताने का कोशिश किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हमारे चैनल में अगर आप नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन देगा, जिससे कि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
पर जय 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 शिव शंभु जय 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 शिव शंकर जय 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 शिव शंभु।